सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 65 रुपीज़ में है, पिछले एक साल का रिटर्न 122% का है। शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी रही है, जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो 65-67 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। और इस वीडियो में बात करते हैं इसके चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स की बात करेंगे, और उसी के अनुसार शेयर आगे कारोबार भी करेगा। दोस्तों PSU बैंक है और PSU बैंकों में एक तरह से तेज़ी रही है, तो चौथी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है। इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करते हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज की बात करते हैं। तो आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसका जो 52 वीक लो था 25.95 रुपये का था, 76.90 रुपये इसने हाई बनाया, और अपने हाई के आसपास से स्टॉक प्राइस कारोबार कर रहा है सेंट्रल बैंक का। तो शेयर प्राइस के अनुसार आगे बात करते हैं, जो अपडेट है Q4 FY24 का उसकी बात कर लेते हैं। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त सेंट्रल बैंक के बारे में पूछ भी रहे थे, नतीजे कब आ रहे हैं, रिजल्ट कब आ रहे हैं चौथी तिमाही के, Q4 के। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, और चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स की बात करते हैं, की हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो देखिए FY24 versus FY23, जिसमें देखिए टोटल बिजनेस की जो ग्रोथ रही है 10.34% की रही है, और टोटल डिपॉजिट्स का जो ग्रोथ रहा है 7.16% की रही है। कासा का देखिए 6.46% का है। ग्रॉस एडवांसेस में जो ग्रोथ है 15.60% की है, 2,51,745 करोड़ का ग्रॉस एडवांसेस हुआ है। 15.60% बढ़ा है दोस्तों। और नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 15.38% है, 4,712 करोड़ का है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है इसमें 6.96% का है ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट 61% की ग्रोथ है दोस्तों, 2,549 करोड़ का साल भर का है ये। इसमें ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो जो सेंट्रल बैंक का जो ग्रॉस एनपीएस का अपडेट है 4.50% का है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो ग्रॉस है, ग्रॉस एनपीएस का जो अपडेट है 4.50% का है, और ये पिछले एक साल से एक तरह से कम हो रहा है दोस्तों, ग्रॉस एनपीएस कम हो रहा है, और 1.23% नेट एनपीएस है दोस्तों। तो पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस लगातार कम रहे हैं, और आरओई की बात करते हैं तो 9.53% का है। तो ये की हाइलाइट्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना FY24 versus FY23 में। तो सेंट्रल बैंक में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अब डिटेल से जो नंबर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। स्टैंडलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, 31/3/2024 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट आया है 8,337 करोड़ का है, 7,809 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, और एक साल पहले 7,143 करोड़ का था। तो देखिए ग्रोथ देखने को मिल रही है, और बैंक का अदर इनकम भी होता है, उसको हम प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट है दोस्तों 9,698 करोड़ का है, लगभग 10,000 करोड़ तक का टोटल इनकम हो गया है। 9,698 करोड़ का टोटल इनकम का अपडेट आया है, 9,138 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले देखिए 8,567 करोड़ का था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। और नेक्स्ट नंबर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 7,635 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,063 करोड़ का है दोस्तों। इसमें प्रोविज़न का जो अपडेट आया है डी कॉलम में, अदर देन टैक्सेस प्रोविज़न प्रावधान 508 करोड़ का है। बैंक को प्रॉफिट है, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, और बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, देखिए जो बैंक का प्रॉफिट का अपडेट आया है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 807 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों, 807 करोड़ का प्रॉफिट का अपडेट आया है, 717 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले था, 571 करोड़
एक साल पहले था। तो सालाना देखते हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ है ये, और 571 करोड़ से बढ़कर ये 807 करोड़ का प्रॉफिट आया बैंक को, और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से भी बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में, Q4 FY24 में सेंट्रल बैंक में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज की बात करते हैं दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं। आप नए हैं, ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो सेंट्रल बैंक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए ग्रॉस अनपेज 4.50% का अपडेट है, इससे पहले भी 4.50% था, एक साल पहले देखिए 8.44% का था। तो 8% लगभग 8.5% से ग्रॉस एनपीए घट कर 4.50% पर हो गया है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो उसके आसपास ही है ये। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं तो 1.23% का है, इससे पहले 1.27% का था, एक साल पहले 1.77% का था। तो सालाना देखते हैं तो देखिए एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है, कम हो रहे हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो स्टेबल है, आसपास ही है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये भी कम होता है, एक के नीचे नेट एनपीएज और 3 के नीचे ग्रॉस एनपीएज होगा तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसका जो ईपीएस का अपडेट है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर जिससे शेयर का अंदाज़ा लगाया जाता है, 0.93 का है, 0.83 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.66 का एक साल पहले था। तो सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ये चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स का अपडेट है। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना, ईयरली, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी मुनाफा बढ़कर आया है और टोटल इनकम भी बढ़कर आया है दोस्तों। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, पिछले एक साल से तो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। इसलिए शेयर भी देखिए तेज़ी में, ज़्यादा चर्चा नहीं होती, नतीजे आपने देख लिए हैं। तो हमारे अनुसार जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के आसपास लिया है तो होल्ड करना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में 76 रुपये 90 पैसे को भी ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है। और स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तब डिसाइड करें, कुछ दिनों के लिए ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें कि हमको कितना प्रॉफिट लेना है, कितना समय देना है, उसके हिसाब से देखें।